दो कुरिन्थियों अध्याय 4, मिट्टी के पात्रों में धन। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे समाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिफल है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे विवेक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि हम असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, स्थायी तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर दृष्टि नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर्ष में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। थैंक यू।